दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको ओपन बेल सबमर्सिबल मोटर मतलब कि पनडुब्बी मोटर की वायरिंग करके हम बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू से एंड तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों इससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो हमारी जो ओपन बेल मोटर है जिसको पनडुब्बी बोलते हैं, इसको हमको 1/10, 1/12 पे वायरिंग करनी है। हमारी 3 फेज की मोटर है। जो इसका डाटा है वो इसका जो क्वाल पिच है 1/10, 1/12 है। और इसका जो वायर गेज है 0.9 मतलब कि 20 नंबर सबमर्सिबल वायर पॉली वायर इसमें लिया गया है। और इसमें जो क्वाल टाइन है वो 48 है, 48 टाइन है इसमें। तो इसको जो वायरिंग करना है वो हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फॉर्मा पेपर चाहिए जिससे कि हमें क्वाल डालने में आसानी होगी। तो हमने फॉर्मा पेपर ले लिए और हमको जो हमारी क्वाल पिच है 1/10 और 1/12 है। तो हम पहले 10 पे भरेंगे इसको। तो जो हमारा फॉर्मा पेपर है हमको एक साइड लगा लीजिएगा इस तरह से, ये लग गया है। अब हमें 1/10 पे लगाना है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दे लीजिए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें लगाना है। दोस्तों देख लीजिए इसमें ये हमारे फार्मा पेपर लग चुके हैं। अब अगर आपको यहाँ से भी एक बार इसको कंफर्म करना है तो यहाँ से कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1/10 पे हमारे फार्मा पेपर लग चुके हैं। और दोस्तों अगर आप क्वाल बनाते हैं हम ओपन बेल मोटर का यानी कि पनडुब्बी का, इसका क्वाल साइज कैसे निकालते हैं वो उसका अगर आप सीखना चाहते हैं सही तरीका, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारी क्वाल बनाई हमने, इसका जो हमारी 1/10 पिच क्वाल है छोटी वाली, इसका जो वायर है हमारा इसी तरह, इसका जो धागा बांधा था इसको इसी तरह, इसमें इस तरफ से खिसका रहा है इसको, पहले इसी तरह कर लीजिएगा। अब हमारी जो छोटी क्वाल है मतलब कि क्वाल पिच 1/10, इसको हमने ले लिया है। इसको अच्छे से इस तरफ सेप बना लीजिए, क्वाल का सेप कर लेंगे तो आपको वायरिंग करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो हमारी क्वाल है इसको इस तरह से आप कर लीजिएगा। इस तरह से करेंगे तो इसमें जो क्वाल, इसमें फार्मा पेपर में क्वाल डालेंगे तो एक ही बार में आराम से इसमें वायरिंग क्वाल के स्लॉट के अंदर इंटर हो जाएगी। तो इसका इसको फैला लीजिए थोड़ा सा, देख लीजिए यहाँ पे। एक बार में पूरी क्वाल स्लॉट के अंदर चली गई है। अब हमारा जो फार्मा पेपर है इसको हम निकाल लेते हैं, ये हमने निकाल लिया है। अब जो हमारी स्ट्रक है मतलब कि लकड़ी है उसको लगाना है यहाँ पे। ये हमें दोनों साइड लगा लिया है। अब इसको हम धागा को निकाल दिया, अब क्वाल को अच्छे से शेप बनाते हैं। दोनों साइड बनाना है पहले, इसलिए बनाना पड़ता है दोस्तों कि ताकि हमको अभी 1/12 की कुछ पिच की क्वाल भरना है, फिर इसके ऊपर भी वायरिंग करना है। और अगर मान लो क्वाल हम इस तरह से नहीं बनाते हैं तो जब ऊपर वायरिंग करेंगे तो हमको बहुत समस्या होगी, हम क्वाल वायरिंग नहीं कर पाते उसमें, बहुत ही टाइट हो जाती है दोस्तों। तो इस वजह से हमको इस तरह से बनाना है। हमारी 1/10 की क्वाल पिच 1/10 की वायरिंग हो चुकी है। अब दोस्तों हमको यहाँ पर 1/12 की क्वाल भरना है। यहाँ पर 1/12 के लिए पेपर लगा रहा है हम यहाँ पे। अब जो हमारी 1/12 वाली क्वाल है इस तरह से इसको भी शेप बना लीजिएगा। इसके बाद इस तरह से इसको फिर से एक बार करना है। और जो हमारा क्वाल पिच 1/10 थी, इसका जो फर्स्ट वायर था इसको हम इसके अंदर से डाल लेंगे, देख लीजिए ये डल गया। अब हम इसको फिर से एक बार क्वाल को अंदर करते हैं स्लॉट के अंदर,
अंदर हो चुकी है। अब स्लॉट पेपर निकाल लेते हैं हम इसका, इसमें स्टैक लगाना है हमको। स्टैक लग गई है, अब कॉल को अच्छे से शेप बनाएंगे। ये दोस्तों हो चुकी है, मतलब 10 और 12 की क्वाल हमारी वायरिंग हो गई है। अब हमको यहाँ पे जो हमने दूसरा सेट है इसी साइड का 10 12 का पीछे, एक्चुअली चूँकि हमने एक क्वाल जो स्वाइज है 4 का सेट बनाया है, 1 10 1 12 और 1 12 1 10 एक साथ बनाया हमने, तो अब हमको यहाँ पे एक बार ध्यान दे लीजिएगा यहाँ से। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया आपने तो कुछ समस्या आपको हो सकती है। तो जो हमारा ये फर्स्ट वायर था कनेक्शन वाला, इसको छोड़ दीजिएगा। जो हमारा 12 वाली क्वाल पिच 1 12 इसका जो वायर है, इसी तरह हमको इस मोटर को इस तरह से घुमा लीजिएगा। ये मोटर हमारी घूम चुकी है, अब हमको 1 10 पे वायरिंग करना है क्वाल पिच 1 10। तो यहाँ पे पेपर लगा लीजिए, इसको एक स्लॉट छोड़ दीजिएगा ऊपर से, क्योंकि हमें 1 12 का क्वाल भरना है उसमें। इस तरह से लगा लीजिएगा। अब हमको यहाँ पे एक बार और ध्यान दे लीजिए दोस्तों, जो हमारी क्वाल थी वायरिंग की थी, अभी हमारे स्टाफ से इस पर स्टैंड पे रखा था, अब इसको हम इस तरह से पलटा के रखेंगे घुमा के, ताकि हमारी जो क्वाल का वायर है, अभी हमने पहली 1 10 वाली पिच का क्वाल आगे निकला था, तो इसका भी हमें आगे चाहिए, मतलब राइट हैंड में चाहिए इसका। इसको हमने राइट हैंड में कर लिया है। क्वाल को अच्छे से शेप बना लीजिए, फैला लीजिएगा थोड़ा सा क्वाल को, इसको फार्मा पेपर में लगा के इसको इस तरह से क्वाल स्लॉट के अंदर कर दीजिएगा। स्लॉट के अंदर हो गए हैं, अब हम इसमें लकड़ी लगाना है जिसको स्ट्रैक बोलते हैं। दोनों साइड लगा ली हमने, इस तरह से इसको अंदर कर लीजिए। अब इसको भी इस तरह से करना है हमको, इस तरह से इसको हो गया है, और एक वाल भी हमारी हो चुकी है। अब हमें इसमें 1 12 पे भरना है वाल पिच 1 12, तो इसको फार्मा पेपर लगा लीजिए यहाँ पे। इस साइड भी लगा लिया हमने, दोनों साइड लगा लिया है। जो हमारी क्वाल है 1 12 वाली, अब यहाँ पे थोड़ा क्वाल को हमको घुमाना पड़ेगा, ताकि जो हमारी फर्स्ट क्वाल भरी थी हमने 1 12 वाली, 1 10 1 12 उसका जो वायर है, ये हमको इस साइड चाहिए। और जो हमारा ये वायर है अभी जो हम क्वाल डाल रहे हैं इसमें 1 12 के पिच का, इसका जो वायर है हमें आगे साइड चाहिए, यानी राइट चाहिए, राइट चाहिए और राइट का लेफ्ट चाहिए। तो इसके लिए जो क्वाल है हमारी, इसको इस तरह से घुमा लेते हैं, इसको जो वायर है हमारा ऊपर वाला, इसको इसके अंदर से क्वाल को, पूरी क्वाल को निकाल देते हैं एक बार। देख लीजिए ये निकाल दिया है, इसका जो वायर है वो एक बार देख लें। जो हमारा पीछे वाला है, मतलब जो अभी हम क्वाल डाल रहे हैं 10 वाली क्वाल का पीछे साइड का लेफ्ट का, इसके देखिए आगे आ गया है, मतलब राइट में आ गया है। और जो हमारा राइट है, राइट वायर है पहली क्वाल का, वो हमारे लेफ्ट में जा रहा है। ये यहाँ पर ध्यान से देना है यहाँ पर, तो इसको एक बार फिर से शेप कर लीजिए, क्वाल को अच्छे फैला लीजिएगा। और जो हमारे 10 वाली क्वाल को है, पहले ही बताया था, इसको अंदर से कर लीजिएगा, इसको फार्मा पेपर में इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पे फार्मा पेपर में इंटर हो गई है, अब इसे फार्मा पेपर निकालते हैं यहाँ से और क्वाल को शेप बनाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे से हम जो स्ट्रक होती है उसको लगाना है यहाँ पे, ये लगा लिया, ये साइड भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आप अच्छी तरह से सबमर्सिबल मोटर, मोनोब्लॉक मोटर, सीलिंग फैन, कोई भी स्टार्टर आप हमारे यहाँ पे आप चैनल पे अच्छी तरह सीख सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है दोस्तों। तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो देखने नोटिफिकेशन को ऑल तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्या जो हम नए वीडियो बनाएंगे तो आपको उसका अपडेट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा उसका। दोस्तों जिस तरह से हम ट्रक आपको बता रहे हैं, आपने किसी भी चैनल पे कोई भी आपको इस तरह का ट्रक नहीं बताएगा वार्निंग करने का। हाँ बताता तो है लेकिन पूरा नहीं बताता है। एक्चुअली पूरा बता देगा तो फिर दूसरे चैनल पर जाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप आते हैं, हमारे चैनल पर आप वीडियो देखते हैं, तो आपको दूसरे चैनल किसी और चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ऐसे आप पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो दोस्तों हमारी क्वाल का हमने शेप बना लिया है, भर चुकी है हमारी जो क्वाल है, ये बॉडी टच खुदाई है, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे साइड पेपर लगाना है, उसको यहाँ से इस तरह साइड पेपर लगा लेते हैं। साइड पेपर इस तरफ लगा लिया है, इस साइड भी हमको साइड पेपर लगाना है। ये भी साइड पेपर लग गया हमारा। अब यहाँ पे हमको थोड़ा एक काम और करना है, जो हमने क्वाल बॉर्डरिंग की है अभी, इसको क्वाल को थोड़ा लकड़ी के डंडे से या फिर पीवीसी के डंडे से यहाँ पे इसको दबा लीजिएगा थोड़ा सा, क्वाल शेप बन जाए, बना लेंगे। जितना शेप बनाएंगे क्वाल का फिनिश करेंगे उतना आपको भरने आगे की क्वाल भरने में अच्छा लगेगा। ये हो चुकी है, हमको इसको दूसरी क्वाल भी करना है। अब पेप स्लॉट पेपर हमें एक यहाँ लगाना है फर्मा पेपर एक्चुअली भरने के लिए, और एक यहाँ पे आएगा हमारा, तो देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आपको अगर गिनना है एक बार क्वाल पे देखना है तो वो देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक 10। और जो हमारी क्वाल है तो इसको हमें एक बार फिर से वही करना है जो हमने पहले बताया था आपको, जो हमारी फर्स्ट क्वाल है वायर है फर्स्ट वाला जो हमने काटा था, इसी तरह इसको धागा को जो हमें धागा बांधा था क्वाल में, इसी तरह खिसकाना है इसको, इस टाइट करना है, मतलब कि राइट से लेफ्ट की तरफ करना है इसमें। तो हम वो कर लेते हैं। इसका हमें जो पहली क्वाल है एक पिच, एक 10 पिच वाली है, इसका जो वायर है फर्स्ट वाला ये हमको लेफ्ट राइट में करना है जैसे कि हमने पहले किया था। इस क्वाल में भी हमने राइट लिया है पहली क्वाल का, यानी क्वाल एक पिच 10 का, इसमें एक क्वाल पिच 1:10 का भी राइट में है, तो इसका भी हम राइट में लेंगे, मतलब कि राइट हैंड साइड करेंगे। अब इस तरह से इसको सेप बना लीजिए, क्वाल को फेरा लीजिए और इसको फिर हम इस तरह से इसमें क्वाल के अंदर कर देते हैं, वो स्लॉट के अंदर बार इंटर हो गया। अब हम इसको जो स्लॉट फार्मा पेपर लगाया था इसको क्वाल को थोड़ा इस तरह से फैला लीजिएगा, पहले फैला लेने के बाद स्लॉट पेपर निकाल लीजिए। लग गया है क्वाल, 1:10 की क्वाल पे से वार्निंग होने के बाद हम इसको इस तरह सेव करना है, इसको धागा को छोड़ेंगे निकालेंगे, इस तरह से इसको सेव कर लीजिएगा। एक बार जो पेच है हमारी उस पर फार्मा पेपर लगाना है, एक क्वाल हमारी इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इसको फैला लीजिएगा थोड़ा सा, इस तरह से फैला लिया। हमारी जो क्वाल पिच 1:10 वाली है, इसका जो राइट का तार है फर्स्ट वाला, इसको अंदर कर लीजिएगा, इसको थोड़ा फैला के इस तरह से इसमें पूरी क्वाल स्लॉट के अंदर चली गई है। हम इसको क्वाल को थोड़ा इस साइड भी फैला लीजिएगा, इस तरह से फैलाने के बाद फार्मा पेपर निकाल लीजिए, यहाँ पे अपनी स्टिक लगा लीजिए। ये हमारी स्टिक लग चुकी है, अब दूसरी साइड भी स्टिक लगाना है, ये भी लग चुकी है। अब क्वाल को अच्छी शेप बना लीजिएगा यहाँ से, इस तरह से इसको भी शेप करना है साइड भी। इसी का दूसरा सेट बनना है इसी क्वाल का, तो
तो इस तरफ घुमाना है हमको, क्योंकि हमारे ये 12 वाली कॉल का वायर ए है, इस तरफ घुमाएंगे इसको। अब फर्मा पीपा यहाँ पे लगाना है हमको, दोस्तों वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाने पड़ते हैं दोस्तों आपको सिखाने के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आया है या नहीं आया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने क्वाल फर्स्ट इसका सेट भर लिया था, अब दूसरा सेट भरने के लिए जो हमारी क्वाल है इसको हमको इस तरह से घुमाना है इसको एक बार, ताकि जो हमारी क्वाल छोटी भरना है 1-10 वाली भरनी है, तो इसका जो वायर है फर्स्ट वाला वायर वो आगे साइड आ जाए, ये आ गया देख लीजिए राइट में आ गया है, इस क्वाल को सेव कर लीजिएगा इस तरह से, इसको सेव कर लीजिएगा अच्छे से, क्वाल सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा फैला लीजिएगा इसको, ताकि स्लॉट फर्मा पेपर के अंदर से इसको इंटर करना है, ताकि हमको आसानी हो, इसको इसके लगा लीजिएगा, इसको आराम से इसको फैला के, अगर इस तरह से नहीं फैलाएंगे आप तो जो हमारी साथ समस्या हो रही क्वाल बाहर अंदर नहीं जा रहा है ये समस्या हो जाएगी, इसको अच्छे से इसको फैलाना है, एक बार क्वाल इंटर नहीं हुआ है इसको एक बार हम निकालेंगे, तो हमने निकाल लिया है इसको अच्छे से, इसको सेप बना लेना है पहले तभी इंटर हो पाती है क्वाल, इस तरह से सेप बना लीजिए इस क्वाल को, इसको पकड़ के अब देख लीजिए दोस्तों वो पूरी क्वाल एक बार में स्लॉट के अंदर इंटर हो चुकी है, अगर मान लो अच्छे से सेप नहीं बनाया तो क्वाल इंटर नहीं होती है, समस्या करती है। अब इसको इस तरह इसको फैला लीजिए, फर्मा पेपर लेकर निकालना है, यहाँ पे फर्मा पेपर निकालने के बाद जो हमारी स्ट्रक है उसको लगा लीजिए, दोस्तों जो हम तरीका आपको वायरिंग करने का बता रहा है अगर इस तरह से आप करते हैं सीखते हैं तो आप बहुत ही जल्दी कम समय में ओपन बेल मोटर पनडुब्बी या सबमर्सिबल कोई भी मोटर हो बहुत ही आसानी से वायरिंग कर सकते हैं, और चलने की जो शक्ति है वो भी अच्छी रहती है क्योंकि इसमें वायर नहीं छिलता है, अगर वायर छिल गया इसका कवर निकल गया तो मोटर फॉल्ट हो जाती है, करंट आने लगता है और मोटर जल जाती है, तो इसमें बहुत ही सावधानी से वायरिंग करना पड़ता है दोस्तों, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं इसी तरह से अगर आप करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। इस तरह से क्वाल को सेव कर लीजिए अच्छे से, ये हो चुकी है, अब हमको इसी का क्वाल जो 1-12 वाली उसको वायरिंग करना है, तो 1-12 वाले पेज पे लगा लेते हैं फर्मा पेपर, यहाँ 12 पे लग चुकी है। अब यहाँ पे एक बार फिर से एक बार ध्यान देना है, यहाँ पे जो हमारी क्वाल है 1-12 की, इसका जो इसी का सेट जो फर्स्ट वाला है इसका जो 12 वाली क्वाल का है वो राइट में है, तो इसको हमको लेफ्ट में ले जाना है, और जो हमारा अभी जो हमें वायरिंग कर रहा है 1-10 वाली पेज इसका जो वायर है 1-12 लेफ्ट वाला इसको राइट में ले जाना है, तो इसको हमको इस क्वाल के अंदर से इसको एक बार निकाल लीजिएगा पूरी क्वाल को, देख लीजिए निकालने के बाद जो हमारे वायर हैं बिल्कुल सही आ गए हैं, राइट का लेफ्ट में जा रहा है और लेफ्ट का राइट में, क्वाल को सेव कर लीजिएगा, हो चुकी है। अब यहाँ पर क्वाल को इस तरह से फैलाना है ताकि थर्मा पेपर के अंदर चलिए, इसको अंदर से निकाल लीजिए, यहाँ पे निकालने के बाद इस थर्मा पेपर के अंदर से डाल लीजिए इसको, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी क्वाल है वो पूरी इंटर हो चुकी है, हमें यहाँ से इस साइड घुमा के इसको थोड़ा क्वाल को इस तरह से फैला लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे थर्मा पेपर को बाहर खींच लीजिए, लगा दिया है, स्टिक लग चुकी है, क्वाल को अच्छे से शेप बनाना है यहाँ पे, इस तरह से शेप बना लीजिए, इस साइड भी शेप बनाना है क्वाल को, तभी ये बनने में आसानी होगी और अच्छी देखने में भी अच्छी लगेगी, और जो क्वाल है वो भी सही तरह से सेट हो जाएगी। अभी हमारी दो क्वाल भर चुकी हैं, दो सेट हो चुके हैं 4-4 का, अब इसको यहाँ पे हमने लास्ट सेट रह गया है तो उसके लिए इस क्वाल को थोड़ा दबाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, इसको इस तरह से दबा लीजिएगा, इसको भी इस साइड भी करना है, दोनों क्वाल को करना है, जो इस तरह से करेंगे
तो कॉल बाइंडिंग में बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली है, आपको आसानी से इसको बाइंडिंग कर लेंगे। इस कॉल को भी कर लीजिए। इसमें लगा लिया है, 1:10 पे लगाना है हमको। ये हमारे 1:10 पे लग चुकी है, तो देख लीजिए आगे साइड आ गया है इसका वायर। तो कॉल को अच्छे से शेप बना लीजिए यहाँ पे, इस तरह से इसको थोड़ा इस तरह से कर लीजिएगा ताकि फर्मा पेपर के अंदर बाहर निकालने में सहूलियत हो हमको। दोस्तों एक बार में कॉल पूरी कॉल स्लॉट के अंदर चली गई है, तो यहाँ भी इस साइड भी कॉल को थोड़ा फैला लीजिएगा। कुछ वायर रह जाते हैं अंदर नहीं जा पाते, तो जो लकड़ी है इस तरह की कोई लकड़ी ले लीजिएगा, बना लीजिएगा, उससे इस तरह से वायर को कर सकते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं इसमें ये हमारा कुछ पेपर जैसे वायर रह गए हैं, इस लकड़ी की मदद से इसको इस तरह से कर सकते हैं। स्लॉट के अंदर पूरे वायर सेट हो गए हैं। अब हमको इसमें जो स्ट्रक है लकड़ी है वो लगाना है। ये लग गई है साइड भी लगाना है हमको। इस साइड भी सेप बना लीजिएगा यहाँ पे, इस तरह से इसको सेट कर लीजिए। हमें 1/12 के पिच को कॉल भरना है इसमें। चुका है ले लिया हमने 1/12 का, इसको अच्छे से सेव बना लीजिए। ये सेव हो चुकी है, इसको अच्छे से फैलाना है यहाँ पे। अब जो हमारे 10 वाली कॉल थी इसका वायर इसका अंदर से एंटर कर दीजिए। ऊपर की कॉल लास्ट कॉल इसलिए थोड़ा परेशान करेंगी, थोड़ा सा हल्का सा समस्या होगी इसमें एंटर करने में, लेकिन आसानी से हो जाती हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे कॉल एंटर हो गई है दोनों साइड। अब हमको फर्मा पेपर निकालना है। इससे निकालने से पहले इसको हम थोड़ा इस तरह से फैला लेते हैं, और जो वायर हमारे रह गए हैं ऊपर रह गए हैं जो कॉल के अंदर नहीं स्लॉट के अंदर नहीं है, तो उसमें लकड़ी से इस तरह से लकड़ी से कर लेते हैं। ये हमारे हो गए हैं, इस साइड भी देख लेते हैं एक बार। कुछ हमारे वायर इस साइड भी रह गए हैं तो हम लकड़ी से करेंगे। हो गया, निकाल लिया हमने स्लॉट पेपर। अब इसमें हम थोड़ा फैला के इसमें स्टिक लगाते हैं। स्टिक लगा लिया हमने, इस साइड भी स्टिक लगाना है। स्टिक दोनों साइड लग गया। अब हमको इसका दूसरा सेट भरना है, तो इस तरफ घुमाना है इसको, क्योंकि हमारा जो वायर है 12 वाली कॉल का इसी साइड है, इसी साइड वायरिंग करेंगे। फर्मा पेपर लगाना है इसका। इस साइड में फर्मा पेपर लगा लेते हैं, हमारा फर्मा पेपर लग गया है। अब इसको फिर से एक बार देखना है यहाँ पे दोस्तों, जो हमारा वायर है मतलब कि 12 वाली कॉल का पीछे साइड है वो है पीछे साइड चाहिए, और जो है फर्स्ट कॉल थी 10 वाली उसका आगे साइड था यानी राइट में था, इसका राइट में करना है। तो इस कॉल को मैं इस तरह से घुमाना है यहाँ पे, इसके बाद इसको स्टैंड पर रख देते हैं। इसका देख लीजिए आगे आ गया मतलब राइट में आ गया हमारे। अगर वायर आपका आगे का पीछे हो गया तो आपका मोटर रन नहीं करेगा, तो आप इसको सेट कर लीजिए एक बार। इसको कॉल को इस तरह से फैला लीजिएगा, फैलाने के बाद इस तरह से इसको पकड़ना है यहाँ पे, इस तरह से पकड़ना है और फिर इसको स्लॉट पेपर के अंदर कर देना है। थोड़ा परेशान करेगी कॉल क्योंकि फर्स्ट लास्ट कॉल है, लेकिन आसानी से भर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे पूरा वायर अंदर चला गया है स्लॉट के अंदर। इस तरफ थोड़ा रह गया कुछ वायर, इसको हम पहले फैलाते हैं, जितना रह जाएगा तो उस लकड़ी की मदद से कर लेंगे। इस तरफ तो अंदर पूरा हो गया है, कुछ वायर इस तरफ रह गया हमारा, तो हमारा जो लकड़ी है उसके द्वारा हम इस तरह से इसको कर देते हैं। हो गया, दोनों साइड हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। इसको कॉल को फैलाते हैं ताकि स्टिक लगाने में थोड़ा आसानी हो जाए हमको।
ये हमारे स्टैक है, स्टैक लगाते हैं यहाँ पे, स्टैक लग चुकी है हमारी, इस साइड भी हमें स्टैक लगानी है, स्टैक दोनों साइड लग चुकी, इस साइड भी सेट कर लीजिए। हमको जो हमारी लास्ट क्वार रह गई, बिल्कुल मोटर की वायरिंग करने की लास्ट क्वार रह गई है, जो बारह का सेट है 12x1 वाली, उसको हम वायरिंग करते हैं वहाँ पे, लास्ट है हमारी, इसको फार्मा पेपर इसमें लगा लिया हमने। पूरी मोटर वायरिंग मतलब कि पूरा पनडुब्बी का वायरिंग एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है, और ज़्यादा लंबा भी नहीं हुआ दोस्तों। इसको जो हम क्वार का वायर है, जो हमारा पीछे वाली 12 वाली क्वाल का है वो मतलब राइट में है, तो इसको मैं लेफ्ट में चाहिए और लेफ्ट का राइट में चाहिए, तो इस क्वाल को इसके अंदर से निकाल लेंगे। यहाँ एक बार वो निकल गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे राइट का लेफ्ट में हो गया है और लेफ्ट का राइट साइड में जा रहा है इसका वायर। इसको अच्छे से सेट कर लें, सेट हो गया है। अब हमको इसको फैलाना है थोड़ा, ऐसा ऐसे करना है, इसको सेप बनाना है, इसको अंदर डाल लीजिए, इस तरह से पकड़ना है इसको, क्वाल को थर्मा पेपर के अंदर करना है दोनों को, पूरी क्वाल अंदर चली गई है। इस साइड हमको इसको फैला के थर्मा पेपर निकालना है, थर्मा पेपर निकाल लिया। अगर हमें बाहर रह जाती तो हम लकड़ी से उसको इंटर कर देती, यहाँ पे थोड़ा बाहर फैला लेते हैं इसको क्वाल को। अब यहाँ पे स्टिक लगानी है हमको, स्ट्रैक इस साइड लग गई है, साइड हमको स्ट्रैक लगानी है, टाइट होगी, लास्ट क्वाल है इसलिए इसको अच्छे सेप बनाएंगे क्वाल को। और इसमें जो कनेक्शन होना है वो स्टार कनेक्शन होना है, उसका वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों तो इस वीडियो में हम आपको पनडुब्बी ओपन बेल सबमर्सिबल मोटर के फुल वायरिंग करना आपको बताया इस वीडियो में आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और नए वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।